झंगा थाना क्षेत्र के जुद्दूपुर गांव में रविवार को दो पक्षों में हुए जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि 5 लोग घायल हो गए। एक युवती की हालत गंभीर है, जिसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तनाव को देखते हुए गाँव में एहतियातन PAC लगा दी गई है। गौरतलब है कि झंगा थाना क्षेत्र के जुद्दूपुर निवासी मकसूदन निषाद और गांव के ही श्याम सुंदर ने छठ के दिन ऑर्केस्ट्रा देखने के दौरान मारपीट हुई थी। इसमें श्याम यादव का सिर फट गया था। इस मामले में मकसूदन सहानी और पवन सहानी के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। इसके बाद से ही निषाद पक्ष नाराज हो गया। रविवार को एक बार फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष के गुलशन व अन्य दर्जन भर लोग लाठी डंडा व असलहों से लैस होकर दूसरे पक्ष से भिड़ गए। आरोप है कि इस दौरान एक पक्ष की ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो गई। इसमें रामकिशन यादव और उनके भाई रामायण यादव के बेटे विशाल यादव तथा दीनानाथ की बेटी रिंकी कुमारी को गोली लग गई। विशाल यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रामकिशन यादव और रिंकी को BRD मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहां रामकिशन को भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रिंकी की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा दयाराम, इंदल, प्रियंका और चंद्रकली देवी भी घायल हैं। घटना को देखते हुए DIG सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि 5 टीमें गठित कर हत्यारोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही सभी हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, सूचना पाता पुलिस नहीं आई है तो पुलिस को क्यों हम क्या सोच बैंक बगल से आराम से ये कोई नंबर है लेकर जंगहा में आज दो पक्षों में विवाद हुआ है गांव में, जिसमें कि पत्थरबाजी और गोली चलने की घटना हुई। गोली लगने से एक पक्ष के दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। DIG गोरखपुर महोदय के नेतृत्व में पुलिस बल मौजूद है मौके पर, और वहां पर SP नॉर्थ के नेतृत्व में 5 टीमें बनाई गई हैं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इस मुकदमे में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी।